नमस्कार, आदाब, वेलकम टू अपना रिजल्ट। दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हिमालय की खूबसूरत वादियों में आबाद एक जानी मानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने पीएचडी एडमिशन 2020 के लिए लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है। यूनिवर्सिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। तो ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किया गया है। ये जानी मानी यूनिवर्सिटी हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में स्थित है। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संचालित विभिन्न विभागों में पीएचडी 2020 के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब यूनिवर्सिटी ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यूनिवर्सिटी ने फॉर्म जमा करने की नई डेट 30 जनवरी 2020 कर दी है, यानी आप 30 जनवरी 2020 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आपने 19 सितंबर 1991 से पहले मास्टर डिग्री प्राप्त की है तो भी आप 5% छूट के हकदार होंगे। इसके साथ ही आप तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपने यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, आईसीएआर नेट, जेआरएफ, स्लेट, गेट, टीचर फेलोशिप या एमफिल या हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा पास की हो। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ यूनिवर्सिटी ने एंट्रेंस टेस्ट को ही हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा का नाम दिया है। यानी आपने सिर्फ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एडमिशन प्रोसीजर की बात की जाए तो एडमिशन प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। एंट्रेंस टेस्ट 100 अंकों का होगा। इस टेस्ट में 50% सवाल रिसर्च मेथोडोलॉजी और 50% सवाल आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। टेस्ट पास करने के लिए आपको कम से कम 50% अंक लाना ज़रूरी होगा। टेस्ट क्वालिफाई कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट का वेटेज 70% और इंटरव्यू का 30% का होगा। इसके साथ ही इंटरव्यू के टाइम आपको 1000 शब्दों में लिखा हुआ रिसर्च प्रपोजल भी लाना होगा। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि रिसर्च प्रपोजल या टॉपिक या सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसमें आप दिलचस्पी रखते हों और जिसमें सीट खाली हो। विभिन्न विभागों में रिसर्च सुपरवाइजर सीट और उनके स्पेशलाइजेशन को जानने के लिए आपको यूनिवर्सिटी द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा। ये नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप डाउनलोड कर इसे देख सकते हैं। अगर सीट की बात की जाए तो इंग्लिश की टोटल 5 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट रिजर्व है, वहीं एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट उपलब्ध है। हिंदी में कुल 17 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। संस्कृत, पाली और प्राकृत में कुल 25 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। वहीं एजुकेशन में कुल 17 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 7, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। न्यू मीडिया के लिए कुल 6 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट है, वहीं एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए कुल 5 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट है, वहीं एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। बिजनेस स्कूल के तहत मैनेजमेंट की कुल 26 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 10, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 7 सीट उपलब्ध हैं, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 सीट उपलब्ध हैं। टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की कुल 5 सीट उपलब्ध हैं, जिनमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट उपलब्ध है, वहीं एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। इकोनॉमिक्स के लिए कुल 21 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 8, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। वहीं एनवायरमेंटल साइंस की कुल 15 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं।
इसके साथ ही कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और इन्फॉर्मेटिक्स में कुल 10 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट उपलब्ध है। मैथमेटिक्स में कुल 2 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट है, एससी और एसटी के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट उपलब्ध नहीं है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में कुल 7 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमिकल साइंस में कुल 8 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस में कुल 7 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। एनिमल साइंस में कुल 8 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। प्लांट साइंस में कुल 3 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 1, एससी के लिए 1, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, वहीं ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई सीट उपलब्ध नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में कुल 15 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 6, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। हिस्ट्री में कुल 22 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 9, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट उपलब्ध हैं। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कुल 8 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 3, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। सोशल वर्क में 12 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट उपलब्ध है। दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज में कुल 12 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट उपलब्ध है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज में यूनिवर्सिटी ने कोई सीट डिक्लेयर नहीं की है। इसके साथ ही विजुअल आर्ट्स में कुल 4 सीट उपलब्ध हैं, जिसमें जनरल के लिए 2, एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 सीट उपलब्ध है। अगर फीस की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ने जनरल कैंडिडेट्स के लिए 400 रुपये की फीस रखी है, वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये फीस तय की गई है और एससी एसटी के साथ स्पेशल कैंडिडेट्स को सिर्फ 100 रुपये की फीस चुकानी है। अगर इम्पॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालें तो यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 जनवरी 2020 कर दी है, यानी आप 30 जनवरी तक अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। 13 फरवरी 2020 से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे और 23 फरवरी 2020 को प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं 3 मार्च 2020 को प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फॉर्म जमा करने के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक कर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सिलेबस और अधिक जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ ही बगल वाली घंटी भी टंटना दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, आदाब।